गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज स्पेशल कॉन्सिडरेशन मेनार्क एंड मिनिस्ट्रल डाइफंक्शन। ये जो कॉन्सिडरेशंस हैं वुमेन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये जिससे गेम्स में पार्टिसिपेंट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके कारण बॉडी में वीकनेस, ब्लड की कमी, वीकनेस आने से जो अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वुमेन्स के लिए। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज ऑफ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द फीमेल पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स हैज शोवन रिमार्केबल इंक्रीज ड्यूरिंग द यस्टर डिकेड्स। दिस चेंज हैज बीन नोटिस्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। बट ऑन द अदर हैंड, ए लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशंस still has an opinion that sports and games are not directly like to women. Women are not expected to be muscular, robust, aggressive and dominant. Many people's opinion that women have different anatomical and physiological structures and capacities which are not suitable for sports activity. Okay. They even said that participation in sports lead to various problems during menstruations, pregnancy and menopause. In order to evade the misconceptions and myths, let us study the relationship of these biological processes and women participants in sports. Menarche is the first period of first menstrual bleeding that a young girl has. Menarche usually occurs approximately at the age of 12. However, it can happen as early as during 8 or 9 years of age, as during 16 year of age. Okay. This problem are experienced by some women who are engaged in intensive sports activities. However, women with delayed menarche may succeed in sports such as gymnastics. Those women who have directly menarche have a advantage in sports such as swimming and rowing because they get more adipose tissue or adipose weight. Menstrual function is a disorder or irregularity in women menstrual cycle. In other words, it can be defined as a abnormal bleeding during the menstruation.
मेनस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल मेनस्ट्रुअल साइकिल वेरियस फ्रॉम 21 to 35 days। इट्स फ्लो लास्ट अप्रोक्सीमेटली 2 to 7 days। मेनस्ट्रुअल रेगुलरिटीज सीम टू बी हायर इन वुमेन एथलेट्स इन कंपेरिजन टू नॉन एथलेटिक वुमेन। ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वुमेन्स की, जो ये पीरियड जो चलता है उसमें ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। मेनस्ट्रक्चर्स एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। अर्लियर मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू बिहेव एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग मेनस्ट्रक्चरल सेक्शंस कुड बी फिजियोलॉजिकली हार्मफुल। रिसेंट स्टडीज कंडक्टेड इन दिस फील्ड शो डेट दिस हैज़ बीन नो बेसिक और इवेंट इज डाइमेनोरिया पेनफुल मेनस्ट्रक्चरल्स ऑफ द एनी कॉन्सिक्वेंस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। ओके, तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है ये फेस करनी पड़ती है स्पोर्ट्स पर्सन को, जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स हैं उन वुमेन को ये प्रॉब्लम को है, मतलब वो ये होती है। सम स्टडीज आल्सो इंडिकेट डेट दिस आर नो स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑल फेज ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज international record have been set in all the stages of menstrual cycle. Research studies also show that women strength decrease a few days prior to menstrual cycles and continues to remain at a silently lower level throughout the menstrual period. Okay, तो यह है सेकेंड जो पॉइंट है। फीमेल एथलेटिक ट्रेड ऑस्टोपोरोसिस एंड एमनोरोया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। ये फीमेल एथलेटिक्स फीमेल जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है एथलेटिक्स होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है किसके बाद में, मेनार्क के बाद में जो एथलेटिक जो प्रॉब्लम होती है वो ये प्रॉब्लम उनमें आ जाती है। ये एक डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम है। इसमें फीमेल्स की जो है ऑस्टोपोरोसिस है यानी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, जो अपने बोन्स हैं बोन्स का वीकनेस आ जाना, बोन्स में वीकनेस आ जाना ऑस्टोपोरोसिस। एंड एमनोमीरिया जो है ब्लड की कमी हो जाना, और जो है हम जो भी हम लोग मतलब कमजोरी बॉडी के अंदर बिल्कुल कमज़ोर हो जाना बॉडी, तो ये प्रॉब्लम जो है ये इसके बाद में वुमेन्स को हो जाती है। फीमेल एथलेटिक थ्रेड ए सिंड्रोम इन विच ऑस्टोपोरोसिस एनोमेरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर आर इंक्लूडेड। इट इज सिंपल नोन एज थ्रेड। द ट्रेड इज ए सीरियस डिसऑर्डर और इलनेस विथ लाइफ लॉन्ग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज एंड कैन बी फैटल। इन फैक्ट इट इज ए सिंड्रोम ऑफ थ्री इंटरलेटेड conditions. If a woman athlete is suffering for any one conditions of the three, it is like that she may also be suffering from the other two conditions of the three. As a matter of fact, sports and physical exercise are part of a balanced and healthy lifestyle. It is observed
डेट द इंडिविजुअल्स हु इंड्यूलेज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर हेल्थी अलर्ट फिजिकल फिट एंड आर लेस लाइक टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन सम वुमेन्स हु टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंटेंसली मे बी एट रिस्क ऑफ फीमेल एथलेट थ्रेट ए वुमेन एथलेट मे शो वन टू और ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ द थ्रेट विथ द इंक्रीज इन वुमेन्स पार्टिसिपेंट्स इन स्पोर्ट्स द चांसेज और वुमेन एथलेट रेट आर आल्सो इन्हेंस्ड। तो ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वुमेन्स के लिए हड्डियों का कमज़ोर हो जाना बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाना बॉडी के अंदर और जो उनको रिक्वायरमेंट होती है ईटिंग की वो ईटिंग नहीं ले पाना या उनको मतलब ये खाने का जो है शेड्यूल वो टूट जाना उनको मतलब जो भी वो खाना खाते हैं वो लेते हैं वो नहीं मतलब प्रॉपर तरीके से वो मतलब बॉडी के अंदर सूट नहीं होना। सिम्टम्स ऑफ थ्रेट जो है इसका जो पार्ट हम कल पढ़ेंगे आगे। ओके आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्ट पूरा फिनिश हो गया है लगभग। जो लास्ट अपना टॉपिक है वो यही चलेगा आगे ओनली। इसके लिए कल आगे करेंगे आज इतना ही।